इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का एक ऐसा खास फीचर जो हेल्प करता है बिजनेसमैन को कास्केडिंग इफेक्ट से होने वाली अनडिजायरेबल कॉस्ट को रिड्यूस करने में। अब ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, सिंपली ऐसे समझिए कि टैक्स के ऊपर टैक्स जब लगता है तो उसे कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। कैसे, देखिए जो हमारी सप्लाई चेन है, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से टेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर, इस पूरी सप्लाई चेन पे अलग अलग इवेंट्स पे ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका टैक्स लगता है विच इज़ जीएसटी। अब होता क्या है कि इस पूरी सप्लाई चेन के दौरान जो भी पर्सन किसी भी सामान को जो फर्दर सेल ऑफ कर रहा है उसके ऊपर वो क्लेम कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने पे किया है प्रीवियस पर्सन को ड्यूरिंग द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया, ऐसे समझो आप एक बिजनेसमैन हो और आपने कोई भी सामान परचेज किया है किसी भी एक्स पर्सन से और अब आप उस सामान को आगे किसी वाई कस्टमर को बेचने वाले हो। तो जब आपने एक्स पर्सन से उस सामान को परचेज किया होगा तो उस परचेज वैल्यू के अंदर आपने जीएसटी भी पे किया होगा, करेक्ट। और अब जब आप उस गुड को फर्दर वाई कस्टमर को सेल ऑफ करोगे तो उससे जीएसटी कलेक्ट करोगे, राइट। तो ऐसे तो जीएसटी उस एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर दो बार कैलकुलेट हो गया। गवर्नमेंट कहती है कि हमें डबल डबल जीएसटी नहीं चाहिए, हमें अल्टीमेटली सिर्फ एक ही बार जीएसटी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भी बिजनेसमैन जब किसी सामान को परचेज करके सेल ऑफ करता है तो गवर्नमेंट उसे इनपुट टैक्स का बेनिफिट दे देती है, यानी कि उस बिजनेसमैन ने, यानी कि आपने उस सामान को परचेज करते वक्त जितना भी टैक्स पे किया होगा वो गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। जैसे कि ऐसे समझिए, सपोज ये एक पेन है जो आपने किसी से परचेज किया और अब आप उसे फर्दर सेल ऑफ करेंगे। सपोज आपने ये पेन खरीदा था 50 रुपीज़ का एंड आपने इसके अंदर टैक्स पे किया था 10 रुपीज़ का, हो गया ये 60 का। सो लॉजिकली सोचा जाए तो जब आप इसको सेल ऑफ करोगे तो आपको 60 प्लस पे सेल ऑफ करोगे प्लस उसके अंदर जो भी टैक्स का अमाउंट होगा। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि 60 रुपीज़ के अंदर ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है जो आपने पे किया है एंड जब आप कस्टमर को 60 के ऊपर फर्दर टैक्स लगाओगे तो वो तो टैक्स पे टैक्स हो गया, तो उसकी वैल्यू तो अननेसेसरीली रेज हो गई। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ITC का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मतलब जब आप इस पेन को सेल ऑफ करोगे यानी कि बेचोगे तो उस टाइम पे जो 10 रुपये आपने अपने परचेजर को पे किए थे गवर्नमेंट वो 10 रुपये आपको रिफंड दे देगी, विच मीन्स अब आपको इसे 60 प्लस पे नहीं बल्कि 50 प्लस पे बेचना है। सो इससे अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर जो बर्डन है वो रिड्यूस हो गया। अब ये ITC का कंसेप्ट लाया तो इसलिए गया था ताकि अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर बर्डन कम पड़े, बट सिंस वी आर ह्यूमन तो हमें आदत है चीज़ों को मिसयूज करने की। ऐसे ही रिसेंट एक बिजनेसमैन का जो फ्रॉड है वो पकड़ा गया है जिसके अंदर उसने मोर देन 700 करोड़ की ट्रांजेक्शन्स फेक सेल्स उन्होंने जनरेट करी हैं जिससे कि उन्होंने मोर देन 122 करोड़ का ITC गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम किया है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब अकाउंट्स एक्सपर्ट।